महाराष्ट्र में असली शिवसेना पर दावेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शह और मात का खेल लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब ये मामला दोनों गुटों के बीच भिड़ंत तक आ पहुंचा है। एकनाथ शिंदे ने पहले नागपुर विधानसभा में उद्धव ठाकरे से उनके बरसों पुराने ऑफिस को छीन लिया और अब उसके बाद बीएमसी की सत्ता में पिछले 25 सालों से कब्जा जमाए उद्धव ठाकरे का दफ्तर भी। शिंदे ने जब बीएमसी वाले उद्धव ठाकरे के ऑफिस पर कब्जा जमाया तब दोनों गुटों के बीएमसी ऑफिस में झड़प हो गई। दरअसल शिंदे गुट के लोगों ने बीएमसी कार्यालय में बने शिवसेना दफ्तर पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान वहां मौजूद उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने इसका विरोध किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पहले तो दोनों तरफ से जमकर बहसबाजी हुई और फिर बात हाथापाई तक पर आ गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत करवाया। इस घटना पर महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि उन्हें लगता है कि शांति बनाए रखी जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट को ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने बहुमत खो दिया है। ग्राम पंचायत चुनाव में भी वे पांचवें स्थान पर थे। उन्हें ये समझना चाहिए कि हम सत्ता में हैं। उन्हें धैर्य रखना चाहिए। झड़प के बाद बीएमसी ने बयान जारी किया कि सभी को कार्यालय से हटा दिया गया है, लेकिन मना करने के बाद शिंदे गुट के सदस्य बीएमसी परिसर से चले गए। 20 दिसंबर को उद्धव ठाकरे गुट को शीतकालीन सत्र के पहले दिन नागपुर विधानसभा परिसर में बने शिवसेना पार्टी कार्यालय को खाली करना पड़ा था। इस जगह पर अब सीएम एकनाथ शिंदे के गुट का कब्जा हो गया है। यहां 30 साल से शिवसेना का कार्यालय था। विधानसभा के रिकॉर्ड के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आधिकारिक शिवसेना के नेता हैं, इसलिए कार्यालय का दावा सीएम एकनाथ शिंदे के बालासाहेब ची शिवसेना गुट का था। उद्धव ठाकरे के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को नागपुर विधान भवन के परिसर में बैरक संख्या 5 और 6 में उनकी संख्या और विधायकों के आकार के अनुसार एक नया कार्यालय आवंटित किया गया है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की सियासी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। एकनाथ शिंदे ने पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ बगावत की। शिंदे ने पहले उनके 40 एमएलए तोड़े और 12 सांसदों को अपने साथ मिला लिया। धीरे धीरे पार्टी पर कब्जा करने की मुहिम छेड़ दी। अब आलम यह है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की ताकत को काफी सीमित कर दिया है। धीरे धीरे ठाकरे गुट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर अभी भी उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा जा रहा है, लेकिन संख्या बल के आधार पर खुद को असली शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को नकली होने का दावा भी किया जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।